नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल WWKCC सीजन 6 अपने अब आखिरी पड़ाव से एक कदम दूर रहता हुआ सेमीफाइनल्स की शुरुआत हो चुकी है। वेस्ट इंडीज जिसने स्कॉटलैंड और इंडिया जैसी मजबूत टीम को अपने बैटिंग की बदौलत हराया है, वहीं पर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था अपनी गेंदबाजी के दम पे। मजेदार होगा आज का मैच, क्योंकि एक तरफ एक टीम जो बैटिंग में परफॉर्मेंस टॉप का दे रही है, सामने न्यूजीलैंड जो बॉलिंग में परफॉर्मेंस टॉप दे रही है। कौन जीतेगा आज का मैच? हम बने लेफ्ट साइड की टीम वेस्ट इंडीज आज के मैच में। तो एक बार फिर आ गए हम लोग हमारी मेन मैच स्क्रीन पर। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम रैंकिंग में हर चीज में पीछे है। सबसे करीब जो टक्कर हो रही है वो बॉलिंग में हो रही है, लेकिन हकीकत में बैटिंग में कमाल कर रही है। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ ये देखना, क्या पेपर में जो दिख रहा है उससे अलग कुछ होगा। उधर एक तरफ है न्यूजीलैंड की टीम जो कि शानदार लग रही है, 93 बॉलिंग, 93 फील्डिंग, 80 का बैटिंग। इस टीम को हराना आसान नहीं होगा। देखते हैं ये दोनों टीमों में अब कौन जीत के आगे बढ़ता है, फाइनल की तरफ बढ़ता है इनमें। तो आगे हम लोग मैच की तरफ, यूनिवर्सिटी ओवल का मैदान आया रैंडम सेटअप में। डिफिकल्टी उसी तरह से डी 5 हैवी क्रैक्स रखी है, टीम कुछ इस तरह से है। बता दूं ये दोनों टीमों ने अभी तक फाइनल में जीता नहीं है। तो कॉल आया न्यूजीलैंड की तरफ से, उन्होंने हेड्स चुना था, गिरा टेल्स है। हमने टॉस जीता है, अपने स्ट्रॉन्ग चीज के साथ जाए या मैं बैटिंग के साथ जा रहा हूँ? ज़्यादा वक्त मिला नहीं, 5 सेकंड का वक्त था, बैटिंग चुना है हमने। ओपनिंग प्लेयर मॉर्गन डाउ, सामना होगा न्यूजीलैंड की टक्कर का। पहली गेंद स्लोवर और ये हिट हुआ है, स्टंप्स भी ऑलमोस्ट हिट, और कितनी स्लो। मैच की पहली गेंद, आप सोचते हो एक नॉर्मल सिनेरियो में खेलोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चैलेंज की कोई बात ही नहीं है। हैली मॉर्गन गॉन, बैक थिक पेन, और इस बार उछल गई गेंद। गेंदबाजी डिपार्टमेंट बहुत फील तो ऐसा हो रहा है, और ये कितनी स्लो डाल रही है। बच गई इस बार भी, बच गई इस बार भी। टक्कर ने ऑलरेडी खाता खोल दिया, ये नो बॉल, लेकिन डॉट नो बॉल है ये। अब फ्री हिट पे डिपेंड करेगा हम कितना बड़ा कमाल करते हैं। पेस वेरिएशन लाजवाब, किसी तरह से हिट किया है, इतना परफेक्ट नहीं है शॉट, और 6 जा रहा है, लेकिन फिर भी 6 जा रहा है, 4 है, 4 है, 4 है। शुरुआत की 2-3 ओवर तो फिर भी मौका रहेगा, यहाँ फिर से बीट होती हुई। डाउ बैकफुट पंच, ऊंचाई हासिल नहीं कर पाई है। एक ही ओवर में दूसरा झटका दे दिया है न्यूजीलैंड ने, और तय हो चुका है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे डोमिनेट करता हुआ बैटिंग डिपार्टमेंट पे। डेरसी डाउ का विकेट, कैली इस वक्त, और ये हिट है, दमदार तो है, दम है, और सबसे बड़ी बात गैप में था, 4 लगा है बहुत मुश्किल से वो भी। निल नहीं, बहुत ज़्यादा वेट करा रही हैं, बहुत ज़्यादा वेट करा रही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है खेलने में हमें। अटैकिंग लाइनअप को पूरी तरह से मैं DRS ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है इम्पैक्ट ऑफसाइड एम्पायर कॉल ना हो प्लीज़, नहीं तो बहुत बड़ा दाम हो जाएगा। तो चैलेंज किया है जैसा हमने कहा था, इम्पोर्टेंट ये इम्पैक्ट ऑफसाइड, बच गए, सही सोच, एम्पायर गलत है। टक्कर एक बार फिर आती हुई, ऊंची गेंदें डाल रही हैं, इनकी ऊंची गेंदों का कोई जवाब नहीं है मैकनेल और थिक पेन के पास। इस बार थोड़ा सा अंदर आया था, फ्रंट फुट खेला जा सकता था, खेला भी, लेकिन फिर भी मिस। गेंदें डॉट जा रही हैं, गेंदें पैरों पे लग रही हैं, आप मिस कर रही हो शॉट्स। 2 लेने की हिम्मत करना बहुत भारी पड़ सकता है, 1 से कुछ ओवर थ्रो नहीं। एक और बढ़िया ओवर जाता हुआ, ये हिट की कोशिश बर्बाद कर गई इस ओवर को हमारे लिए और ज़्यादा। मर तो गई थे, अब कब्र में भी इन्होंने दफन कर दिया पूरा विस्मय इस इनिंग को। नेवा मैकनेल 7 गेंदों में सिर्फ 2 बनाकर कोकर, और सीधा हेलमेट पे जाके लगी गेंद। रियल लाइफ में ऐसा किसी के साथ ना हो, लेग बाय है भाई, हेड बाय था। 3 ओवर ही हुए हैं, लग रहा है कब से मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। 18 के बाद 6 लगाती हुई यहाँ पर थिक, एक और बड़ा हिट, चलिए 6 के लिए भेज दिया इसको, बहुत अच्छा ओवर जाता हुआ, बस विकेट ना खोना। आखिरी 2 गेंदें सेम ही अंदाज से डाल रही हैं, ये शॉट की टाइमिंग थोड़ी सी वीक थी कंपेरिजन टू लास्ट 2 शॉट्स, लेकिन इनफ है, 4 के लिए इनफ है। 18 रनों का ओवर, लास्ट गेंद पे डिफेंस, और तुरंत दौड़ गई सिंगल। लेग स्लिप के ऊपर से खेलने का प्लान है, और ये होगा सफल, मिल जाए 4 गेंदें और मजा आ जाएगा, ऐसी चौका। फिर से तैयार, हर गेंद पे हिट करना चाहेंगी, क्योंकि जो इनका ग्राउंड है वो बहुत छोटा है, अगर मेंस क्रिकेट होता तो रुक जाती, ये भी रुकी गई थी ऑलमोस्ट। 4 रन इस बार फिर से लगाया वेबर को, चांस और बदला है, लेग साइड और ओपन किया है, हम इस रिस्क के लिए तैयार हैं। मेंस क्रिकेट में ये 2 रन होती, यहाँ पर 4, अपनी गलती का एहसास हुआ है, पर क्या बहुत देर हो गई है ये। 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 दौड़ रही है बॉलर की तरफ, आ रहा है थ्रो, डायरेक्ट हिट नहीं लगा है, 2 रन फिर से निकाल दिए। पिछली 12 गेंदों में 1 भी डॉट नहीं गया, प्लीज पहले गिर जा, प्लीज पहले गिर जा, प्लीज पहले गिर जा,
रे कितना लो कैच था ये, और इस टूर्नामेंट में एक भी कैच ड्रॉप नहीं हुए लो वाले। अरीफ ही कर रहा था, सोच तारीफ की बात कर रही थी कि पिछले 12 गेंदों में एक भी गेंद डॉट नहीं जान दिए, 3 चौके 2 छक्के भी लगाए हैं, लेकिन अगली ही गेंद पे कैच आउट। और थोड़ा मैंने गलती भी की, मैं इस गेंद को खेलने ही वाला था, मेरे मन में हो गया था ये 120 मिनिमम और थिक पेन का 6। पिछली बार ओवर में जो धमाका मचाया था कंटिन्यू किया है इसको। 14 में 36 तेज गेंद बाउंसर क्रॉस का ये शॉट नहीं कर पाया है क्रॉस बाउंड्री, बल्कि लगा ही नहीं, लेग बाय का एक रन आउट। इन्हें कहीं स्टांस बदलने की इच्छा हो रही है और ये सीधा मेड विकेट पे कैच आउट हो गई है। क्रॉस प्लान था इसको फाइन लेग के कहीं ना कहीं खेलने का, लेग साइड ही खेलने का प्लान था, गलत हो गया पूरी तरह से। इतना पड़ा है ब्लांक का क्रॉस को केज इस बार, और ये वाइड गेंद है, ये वाइड गेंद है, नहीं दिया एम्पायर ने तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं अगली गेंद खेलूंगा और क्या। वाइड है केज पैरों पे फिर से ले लिया, अगर वक्त लेगी तो मैं 2 लूंगा। बॉलर आ रही है, संभल कर। हाँ, इसमें बड़ा परिवर्तन, मिडल पे खड़ी रह के खेल रही है, 9 बॉल डाल दी गई है, 4 ऊपर से लगा दिया है, तो वाइड गेन प्लीज वाइड गेन, ये फ्री हिट मिस कर गए नहीं तो हम लोग। ओह अरे रे बेली वाइड गेन एम्पायर, ओह खली एम्पायर, हाँ थैंक यू। पिछली गेंद अंदर आई थी और इस बार यॉर्कर लाइन पे बीट कराते हुए हम चांस बदला, इनस्विंग हो रही है गेंद, उसके लिए तैयार थे, 6 में कन्वर्ट किया है, ये सेम अंदाज सेम रिजल्ट, एक और 6 गेम चेंजिंग होगा अगर स्ट्रेटेजी काम कर जाती है तो। 50 भी लगा दिया सिर्फ 20 गेंदों में, सैनिस थिक पैन रिमेम्बर द नेम। एक और अरे ओए ये क्या है, अरे यार ये कंट्रोल के कुछ गड़बड़ हुई, कुछ अजीब सी गड़बड़, पता नहीं क्या हुआ, अरे बचा लेना, ओ नहीं पनौती आउट है, अरे कुछ अजीब सा ब्लिंक हुआ और रन दौड़ी लेकिन वापस जाने में देरी के शॉट नहीं लगा, 50 की इनिंग समाप्त हो गया। फील्डिंग बहुत बेहतरीन, फिर भी अटेम्प्ट किया है जो कि कैच के लिए वेट कर रहा है लॉन्ग ऑफ पे, और कैच ड्रॉप बहुत गंदे तरीके से ड्रॉप किया, वेट कर रही थी 10 सेकंड तक, ऐसे आया और ऐसे गिर गया, पता नहीं कहाँ देखने लगी थी, आसमान में तारे गिन रही थी क्या कर रही थी पता नहीं। इसमें परिवर्तन है और ये बेहतर है, ये जाएगा, ये दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा कवर के हिस्से से, 6 रन केज का स्टेडियम के बाहर। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की गेंदें घूम रही हैं, ये कैच का कॉल हो सकता है, 1 किलो, अरे क्या 1 लो, एक गई एक ले लिया, लेकिन न्यूजीलैंड ने एक ले लिया, विकेट ले लिया एक, और भेजा है सवन्ना केज को पवेलियन। ओए क्या क्विक गेंद है, क्या क्विक गेंद है, मैच चांस आगे दौड़ा था रन लेने के लिए, आउट होंगे मेरे ख्याल से, आउट होंगे, बहुत आगे निकल गए थे, बहुत आगे निकल गए, धन्य है भाई यहाँ पर क्या विकेट गिर रहे हैं, 100 लगेंगे कि नहीं कह नहीं सकते हम लोग, लेकिन यहाँ पर एक और विकेट गिरा है 92 पर ही, 8वां खोता हुआ कारा हैंसन के रूप में वेस्ट इंडीज। आखिरी ओवर में पहुंचने से पहले का आखिरी गेंद तेज बाउंसर, बड़े हिट की कोशिश सारी की सारी नाकामयाब, कितनी धीरे डालेंगे स्पिनर, इससे तेज डालता है ना, हमारा से उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे इस गेंद पे खरी उतरी है 6 के साथ, 100 पूरा कर चुका है वेस्ट इंडीज। अगर इस सिनेरियो में आप मेरे से पूछते हैं तो 120 तो मिनिमम डालना चाहिए, मिनिमम मतलब बस वो थ्रेशोल्ड है, उसके बाद से ही शुरुआत होती है चैलेंज की। अरे स्टंप में गई, मैं रन तो ले लिया पर गलती ही लग रही है मेरी, लास्ट गेंद पे अब मारना पड़ेगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट हिट। अरे बंटा धार, दौड़ 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 स्टंप हिट हुआ है, 102 पे ही 9 विकेट पे रुका है वेस्ट इंडीज इस इनिंग में, हिट अरे डॉट गेंद, सीरियसली 102 पे ही रुका है, ऑल आउट से तो बच गए, एक समय ऐसा लग रहा था 6-7 ओवर में ऑल आउट हो जाएंगे, उसके बाद 102 पे 9 लगाया है, ऑन द पेपर 102 इनफ नहीं है, मैं बैटिंग कर रहा हूँ और सबकी बैटिंग ना आए यहाँ तो 10 ओवर में भी बैटिंग आ रही है, 3 डक देखने को मिल रहे हैं, 4 डक अगर आप नॉट आउट को काउंट करते हो, बेस्ट बैटिंग की यहाँ पे 12 में 14 सवन्ना केज ने, नहीं माफी चाहूंगा सैनिस थिकपिन पे, देखिए ऑलमोस्ट 50% रन अकेले बनाए, रन आउट हो गई थी वो 3 विकेट के साथ, टक्कर लाजवाब, 2 ओवर में 7 रन देके 3, ऑसम ऑसम ऑसम। उसके अलावा क्रेडिट दीजिए कैली को, रोस को भी, 103 का चेज मुझे तो आसान लग रहा है, देखते हैं कितना आसानी से करता है न्यूजीलैंड। बेली विद डोनाल्डसन, डोनाल्डसन नाम है, डोनाल्ड के बेटे नहीं है, सैली स्ट्रीट बेली के सामने, पहली गेंद मिड विकेट से 4-10 के आसपास का रिक्वायर रन रेट है, जहां तक हो सके पुल नहीं लगाने देना है, पुल नहीं लगाने देना, इसी के बारे में बात कर रहे थे, और 4 चला गया, फील्डिंग मैंने बदला है, मिड विकेट लगाया था ये उम्मीद में कि मिड विकेट मार रही है, लेकिन अब स्क्वायर मारने लगी है, ऑफसाइड पे क्रॉस सीम और डंडे गुल, बेली के स्टंप्स के डंडे गुल, क्रॉस सीम का फायदा, खेला तो सही था, उनको उम्मीद थी कि गेंद नीचे रहेगी जिस हाइट में उन्होंने शॉट लिया था,
लेकिन क्रॉस सी में जब गेंद उछलती है तो आप जज नहीं कर पाते, वो चीज नहीं पढ़ पाई सफेर बेली। गॉन 8 पर। बेली वाली गेंद डोनाल्डसन के सामने, कैच, फील्डिंग दिखाओ अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अरे अरे ये 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 हाँ, क्या एनिमेशन, धोखा दिया यार, दूसरा झटका, बड़े हिट, फील्डिंग चेंज का असर दिखता हुआ यहाँ पे मैच में। सबसे बड़ा डाउट ये हुआ कुछ अजीब सा स्किप हुआ, ऐसा लगा जो जमीन से गेंद उठाई हो, मुझे लगा हो सकता है ग्राफिक बग आ गया हो, यहाँ पे दिखाई देगा नहीं। अरे ये थ्रो क्यों कर रही थी, मेरे दिल की धड़कने बढ़ गई यहाँ पे। सना डोनाल्डसन अपने मतलब गोल्डन को लेके जा रहे हैं। स्टैंडर्ड गेंदे ये सही नहीं लग रही, पुल शॉट नहीं लगाने देना है। मैकडेनियल वेरिएशंस, यॉर्कर रुकेगी कि जाएगी, छह जा रही है, स्ट्रेट सिक्स तो इनका छह ही जाता है। तो दो बढ़िया हिट के बाद मैकडेनियल फुल फॉर्म में नजर आ रही है और मिस फील्डिंग, ऑलरेडी एक एक रन बचाने हैं। सैली स्ट्रीट एक विकेट ऑलरेडी ले चुकी है, कैच का मौका बनेगा, बहुत लोटस कैच, गिर गया पहले, सामने वाला कर लेता यूं करके और ये भाई साहब के बहन जी कर ही नहीं रही। एक और क्रॉस सीम चिपकती हुई पैरों पर, रन ले रही है वो, क्या घटिया रिएक्शन है गेंदबाज का। यूं शॉर्ट पिच की कोशिश गलत साबित होगी, पुल शॉट स्विंग कराना चाहता था, मैं बाहर रखना चाहता था, मिडल चली गई गेंद। साइड गेंद फिर से लेग साइड जबरदस्ती खेलने गई है, इसमें इन्हीं की गलती है, पूरी तरह से इन्हीं की गलती है। और आज वेस्ट इंडीज के गेंदबाज बढ़िया काम किया है अभी तक, झटके पे झटके न्यूजीलैंड को। एलिस क्रॉइडर आउट, गेंदे क्रॉस सीम, ऐसा लग रहा है अरे कुछ नहीं लग रहा, मैं तारीफ करने जाता कि क्रॉस सीम काम कर रही है, सिक्स खा गए। रनों को हथेली पे रख के गेंदबाजी कर रही है, क्या बढ़िया गेंद थी, लेकिन इनसाइड है जो मैकडेनियल का चौका, वन ऑफ द वर्स्ट कह सकता हूं मैं। यहां पर रिप्ले मुझे देखना पड़ रहा है, आंखों से देखा नहीं जा रहा, ये ओवर अच्छा या खराब इस गेंद पे डिसाइड होगा। और बढ़िया ओवर लेकिन नाटक, अरे ओवर थ्रो की ऐसी की तैसी, स्पिनर सामने मत खेलने देना, सामने मत खेलने, वहीं खेल रही है मैकेली बोस, हम सामने ही खेलने की फिराक में है। अपील कैच की तो नहीं है, एलबीडब्ल्यू भी नहीं है, बाहर जा रही है, दो शॉट मिस हो गई सामने का और पॉइंट पे हिट कर दिया थोड़ा सा गली के ऊपर से, छह रन के लिए एक हिट किया है, क्या दूसरा भी करेंगी, जी नहीं है, दूसरा मिस किया है, फिर से ऑफसाइड ही खेल रही है। इस गेंद पे मजा आएगा, हाय पैर पे लगनी चाहिए थी, बैट आ गया बीच में, एक बार फिर स्ट्रेट नहीं क्या 10 रन आ गए इस ओवर से, 5 ओवर हुआ है ऑलरेडी 53 पे चल रहे हैं, एग्जैक्ट 10 का रिक्वायर रन रेट, बीट इस गेंद पे 29 में 50, ज्यादा ही स्टैंडर्ड दे दी गेंद। और थर्ड मैन से एज दे के 4 जा रही है, ओवर इन स्विंग फ्लिक और ये भी 4 फ्लिक के थ्रू 4 यहाँ पे, मैं ये डिसाइडिंग ओवर होगा और बैट एज लेंगी तो बड़ा शॉट ही, अरे यार सीधा वाला मार दिया, 6 रन आ गए ओवर के, अब 4 गेंद है, इनको सिर्फ 4 लेना है, 3 ही फील्डर बाहर रख सकते हो मेरे हिसाब से, सही पोजीशंस में हैं फील्डर्स। और ये देखिए आपके सामने रिजल्ट, लेकिन बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम होने वाला है, ड्रॉप कर दिया, रन दौड़ रही है, एटलीस्ट रन आउट ही कर दो, अरे रे स्पिन बहुत वक्त लिया, गलती कर दी सीधे मत दो, टॉप स्पिन मत कराओ वुमेन्स क्रिकेट में, बहुत ही गलत वक्त पे थिक पैन का ओवर आया ये, और ये भी 4 जा रहा है, अनऑर्थोडॉक्स शॉट, गैलेगियोस 36 पे 50 प्लस की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली इन दोनों खिलाड़ियों ने, ऑलमोस्ट फाइनल में पहुंचा दिया न्यूजीलैंड को यहां से। फेयरली एजिस वो तो लगेंगी, स्पिनर्स में एजिस तो लगेंगी, पर एक गेंद डॉट अगली पैरों पे, मैं ज्यादा खुश इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक भी हिट लगेगा, एक या दो हिट भी लग गया तो ओवर इनके लिए आ गया, पॉइंट पे मत खेलना बस। और रे फिर से मिस, बड़ा हिट था, बहुत बड़ा स्क्वायर के, ये ओवर में सिर्फ 1 रन, सारे शॉट में ए रन ले रही है, पर पूरा मतलब एक खाली मिडलिंग हुआ था बस, एआई ने थिक पैन को फिर से ला दिया है। और रे लेकिन ये पिच अचानक से स्पिनर फ्रेंडली बन गई, ने सीधा शॉट, प्लीज रुक जा 6 जड़ दिया यहाँ पे, 10 गेंदों में अब रह गए 13 रन से, तो कराओ आप, अरे क्या कराओ, 2 छक्के पिछला ओवर जहाँ पे सिर्फ 1 रन देके गया था, 2 रन देके गया था, यहाँ 12 दे दिए 2 गेंद में, थिक पेन एक्चुअली बहुत भारी पड़ गई, अरे खत्म मैच बराबरी पे, 3 गेंदों में 3 छक्के, पूरी कमी पूरी, किम्बरली अपनी 50 भी पूरी कर गई 22 गेंदों में, आखिरी गेंद आम बॉल डॉट, भाई लास्ट ओवर में ले गए मैच, स्टंप में सटीक यॉर्कर, ओए फ्लैट शॉट डॉट गेंद, अरे मिस फील्डिंग नहीं, 5 गेंद में 1 रन डिफेंड करना है अभी भी, इन स्विंग यॉर्कर, ओए वाइड से जिता दिया, पैसे बर्बाद, अरे न्यूजीलैंड जीत गया है, फाइनल में पहुंच गया है, पहली बार ट्रॉफी उठाने के करीब पहुंचा है, और जीतेगा तो पहली बार उठाएगा,
को ऐसा लगेगा कि यार आप सारे मैचेस हार रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि ये इस बार का टूर्नामेंट इतना हाई स्कोर, ये थोड़ा सा लो स्कोरिंग रह गया, 102 बनाने भी 9.1 ओवर लग गए, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हुई थी शुरू में, जो कैचेस हमारे पिछले मैचों में छक्के जा रहे थे कैच हुए थे इस बार। अभी भी एक कैच में अफसोस कर रहा हूँ, जो लो टॉस था पहले गिर गया था, वो हो जाता तो मजा आ जाती। किम्बरली मैकडैनियल 50 के लिए, हाँ 50 के लिए इनको मैन ऑफ द वुमेन ऑफ द मैच मिलता हुआ, और न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। अब देखना होगा दूसरे राउंड में सेमीफाइनल में कौन सी टीम न्यूजीलैंड से सामना करेगी फाइनल में। मैं अभी के लिए ले रहा हूँ विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, वीडियोस अभी से एक ही आ रही है वीडियो चैनल पे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इसको। मैं ले रहा हूँ विदा, फिर से एक बार टाटा बाय बाय गुड डे।